आज हम बात कर रहे हैं होंडा ड्यू के बारे में, इसके चौक के बारे में क्या होता है। बहुत से कस्टमर लोग हमको आके पूछते हैं कि गाड़ी हमारी पेट्रोल बहुत खा रही है, एवरेज नहीं आ रहा है, या ऐसे बहुत से रीजन आते हैं, मतलब कि हमने गाड़ी धुआं मार रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है। तो चौक बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा खींच के बाहर छोड़ देते हैं और इतना सा खिंचा हुआ रहता है और गाड़ी चलाते रहते लोग। उससे क्या होता है, गाड़ी में माइलेज नहीं मिलता है, गाड़ी पिकअप में प्रॉब्लम आती है, धुआं मारती है, बहुत सा प्रॉब्लम होता है। किसी किसी की गाड़ी जो थोड़ी पुरानी हो गई है, एक दो साल तीन साल पुरानी, सुबह स्टार्ट नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, चौक लेके स्टार्ट करते हैं। वो तो ठीक है, चौक लेके स्टार्ट करते हैं, बट वो ऐसा अंदर करना भूल जाते हैं, इसको ऑफ करना। इसका जो ये पोजीशन है, यहाँ इंजन की तरफ दिखाओ, देखो बताता हूँ, ये ऐसा जो हम ऑन कर देते हैं इसको चौक, तो इससे क्या होता है पेट्रोल ज़्यादा जाता है। अभी ये चौक इसका ऑन है, यानी जो पोजीशन है देखो, ये ऑन है इसका, इसका जो पोजीशन है इसका ऑफ होना चाहिए हमेशा इस साइड, तभी इसका वायर लूज होने से भी क्या होता है, कभी कभी बंद नहीं होता प्रॉपर। प्रॉपर इसको बंद होने के लिए कभी भी मैकेनिक या खुद भी आप इसको अंदर ऐसा इस साइड ये इसको अंदर दबा के चेक कर लेना चाहिए। जैसे कभी सुबह मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, आपने चौक खींच दिया और भूल गया, अगर आप ऐसी गाड़ी चला रहे हो तो आपको एवरेज बिल्कुल नहीं मिलेगा, गाड़ी बहुत पेट्रोल खाएगी और बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। क्योंकि पेट्रोल इससे क्या होता है, ज़्यादा जो मेन जेड है इसका, उसके मेन जेड काम करने लगता है, ये कार्बोरेटर का जो मेन जेड है उसके मेन जेड ऑन हो जाता है, जब आप चौक लेते हो उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल जाता है। तो इसके लिए इसका जो चौक का पोजीशन है होंडा डियो का, यही सही तरीका है, इधर ऑफ रहता है नीचे की साइड और ये जो आप ऊपर करते हो इसको पुल इधर बाहर खींचोगे आप ये, तो ये इसका ऑन है। इसके बारे में इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी स्टार्ट करते चलाते हो तो थोड़ा इसको ब्रेक करके देख लेना चाहिए। ये कस्टमर लोगों ने बहुत लोगों ने इसके बारे में आके बताया था, हमने देखा हमारे पास बहुत से ऐसे कंप्लेंट आते हैं।